हेलो एंड वेलकम टू इलेनाटेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल वालों के लिए है। तो जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से क्या करवाना चाहते हैं कि अपनी जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वहां पर जो इश्यू फेस हो रहा है उसको वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेनाटेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो अभी आपके 8th क्लास की जो एग्जामिनेशन होनी है वहां पर जब भी प्राइवेट स्कूल क्या कर रहा है, लॉगिन कर रहा है तो वहां पर एक एरर मैसेज आ रहा है। तो वहां पर जो पहले मैसेज था वो क्या था कि आपने पिछले सेशन में जाके जो एनुअल प्रोग्रेशन रिपोर्ट है वो आपने फिल करनी है, बट अब उसको रिमूव करके वहां पर क्या मैसेज आ रहा है कि आपने जो ई एफिलेशन है उसको आप फिल करो, और वहां से ही आपका क्या होगा, सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कूल लॉगिन में जाएंगे एंड देन यहाँ पर आपको मिलेगा स्कूल लॉगिन। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर 24-25 के लिए लॉगिन का एक लिंक। यहाँ पर आपने 24-25 पर क्या करना है, आपने लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका आईडी पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं फिल करता हूँ किसी एक स्कूल का आईडी पासवर्ड, आपको बताता हूँ कि क्या मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर फिल किया, यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ, देन लॉगिन करने के बाद हमें कुछ इस तरह से मैसेज आता है, योर टेम्प्ररी एफिलेशन हैज बीन एक्सपायर्ड, काइंडली अप्लाई फॉर न्यू एफिलेशन फॉर द सेशन 24-25 इन ऑर्डर टू कम्प्लीट इट काइंडली अप्लाई फॉर द एफिलेशन एट। ये एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आपने ई एफिलेशन करनी है। तो यहाँ पर आप सिंपली इस लिंक को यहाँ से लेके यहाँ तक ई एफिलेशन तक ही आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। आगे यूजफुल लिंक जो लिखा हुआ है वो उसको कॉपी नहीं करना। तो एक न्यू टैब पे जाओ, यहाँ पर इसको पेस्ट करो एंड देन यहाँ पर एंटर कर दो। तो आपके सामने जो एफिलेशन का जो एक पोर्टल है वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी आपने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है इसमें, तो आपने उस एप्लीकेशन नंबर से आपने लॉगिन करना है। अदरवाइज सभी स्कूलों को क्या करना पड़ेगा, क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे कि यहाँ पर आपसे पहले पूछेगा कि आपने किस क्लास के लिए ई एफिलेशन लेनी है, 8th के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए। तो यहाँ पर मैं 8th क्लास करता हूँ। सिलेक्ट कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, फॉर फ्रेश। अगर मान लो कि आपका एक नया स्कूल था और न्यू स्कूल यहाँ पर एफिलेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसकी आएगी फ्रेश अप्लाई के लिए। अगर आपको पहले से ही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से एक कोड मिला हुआ है जिसके थ्रू आप क्या करते थे, लॉगिन करते थे, तो आपकी क्या आएगी, अप्लाई फॉर ऑलरेडी स्कूल कोड अलॉटेड पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पर स्कूल कोड डालोगे तो नीचे आपकी पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी आ जाएगी। एंड में आपने यहाँ पर क्या फिल करना है, मोबाइल नंबर तक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल आएगी जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपने सिंपली यहाँ पर जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपने जो है वो आपने फिल करना है, अपना जो भी आपने पासवर्ड लगाना है ये कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे तो यहाँ पर ऊपर आपको एक मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर। तो कुछ इस तरह से आपको वो मैसेज आएगा कि रजिस्ट्रेशन आपकी ये लिए सक्सेसफुली सेव्ड, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। तो इस एप्लीकेशन नंबर को आपने नोट करके रख लेना, लिख के रख लेना, ये आपका एप्लीकेशन नंबर आगे सब जगह पर काम आएगा। जब आपने ये एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया, फिर उस एप्लीकेशन नंबर को आपने यहां पर फिल करना है, जो पासवर्ड आपने फिल किया था उसको यहां फिल करना है एंड देन यहां पर आपने क्या कर देना, लॉगिन कर देना। जैसे आप लॉगिन करोगे आपके स्कूल का जो अकाउंट है वो आपका यहां पर डिस्प्ले करवा देगा। यहां पर देखो, यहां पर क्या लिख रहा है, आपका फीस जो पेड है वो अभी आपकी पेंडिंग चल रही है, एप्लीकेशन प्रोसेस है वो जो स्टेटस है वो इन प्रोसेस है, ठीक है, अप्लाइड फॉर आपकी इस क्लास के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, इस तरफ आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आती है स्कूल प्रोफाइल। स्कूल प्रोफाइल में आपकी जो स्कूल की जो प्रोफाइल होगी वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर नीचे आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल अगर चेंज हो गए हैं, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसकी जो डिटेल होगी, वो यहाँ पर आप फिल करके इसको क्या करवाओगे, यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने क्या करवा देना, सेव करवा देना। उसके बाद आपके पास आया था सेकेंड नंबर पर बिल्डिंग सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी एंड मैप। इस डिटेल में आपने अपने स्कूल की सोसाइटी की डिटेल, आपकी सोसाइटी किस नाम से है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, चेयरमैन का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। वैसे ही बिल्डिंग सेफ्टी की डिटेल कि आपका जो बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो कब तक आपका यहाँ पर वैलिड है, कहाँ से लेके कहाँ तक, इश्यूइंग अथॉरिटी क्या थी, PWD थी या डेवलपमेंट ऑफ पंचायत थी, या फिर उसके बाद आपकी फायर सेफ्टी की डिटेल आ जाएगी, फिर आपकी बिल्डिंग मैप की डिटेल आएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद इसको आपने फिर से क्या कर देना, सेव कर देना। उसके बाद आती है स्टाफ डिटेल। स्टाफ डिटेल देखो, यहाँ पर ये वाले सारे कॉलम स्टाफ के आपको फिल करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एड स्टाफ डिटेल। यहाँ पर क्लिक करोगे, स्टाफ का नाम, उसका फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका जेंडर, आधार नंबर, कैडर क्या है उसका, ठीक है, जो भी कैडर है उसका,
सब्जेक्ट कौन सा है उसका, मोबाइल नंबर क्या है, सैलरी कितनी देते हो आप, ठीक है, कैश देते हो, फिर आपका पे ही करते हो, अकाउंट पे करते हो, या फिर आप क्या करते हो, चेक देते हो। उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन, आपने उसके क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट है उनकी एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाकर आपने यहाँ पर करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है मस्ट अपलोड बीए बीएड सर्टिफिकेट, अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट इन सिंगल फाइल। तो आपको उसके जो बीए या बीएड के जो है सर्टिफिकेट या फिर ईटीटी के जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, सिंगल फाइल में यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, अपलोड। पर यहाँ पर साइज लिमिट एक यहाँ पर इशू है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि 1 MB का दिया हुआ है, 1 MB में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थोड़े से टिपिकल हो जाएंगे। तो उस केस में आप एक बार बात कर लेना, या फिर मुझे लगता है यहाँ पर आपने जो मेन मेन आपके हैं जैसे कि ग्रेजुएशन होगी आपकी या फिर आपकी ईटीटी या बीएड होगी, इन दोनों सर्टिफिकेट्स को आप यहाँ पर क्या करवा दो, अपलोड करवा दो। ये डिटेल सारी सेव करने के बाद स्टाफ डिटेल आपकी यहाँ पर फिल हो जाएगी। उसके बाद आती है स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल में आपने सिंपल यहाँ पर क्या देनी है, एनरोलमेंट देनी है कि आपके पास फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, वैसे 8 तक आपने ये इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपकी आती है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में आता है कि आपका जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, पंजाबी मीडियम है, तो जो भी मीडियम है वो आप यहाँ पर क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे। ऑनरशिप कैसी है आपकी स्कूल की, आप खुद की ऑनरशिप है, जो डोनेशन है, लीज डीड है, या फिर रेंटर है, तो जो भी आपका है यहाँ पर वो आप यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद कवर्ड एरिया कितना है आपका, टोटल एरिया कितना है, प्लेग्राउंड का साइज कितना है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर आपको यस नो में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। ये आपने फिल करने के बाद उसके बाद क्या आता है हमारे पास, अपलोड डॉक्यूमेंट। आपने दो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं, एक आएगा आपका बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, एक आएगा आपका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपने यहाँ पर बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके चूज फाइल में जाकर सबमिट कर देना आपने, एंड देन यहाँ पर वो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में आप क्या कर सकते हो, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। आपके ये सारे के सारा जब काम हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। फिर आएगी आपकी कैलकुलेट फीस एंड फाइनल सबमिट। अब यहाँ पर आपने अपनी फीस को, जो भी फीस आपकी बनती है वो आप यहाँ पर देख आपको मिल जाएगी, एंड देन आपने इसको फाइनल सबमिट करना है। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, लॉग आउट आप यहाँ से कर सकते हो। तो ऐसे आपको जो ई एफिलिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने पीएससीबी में जो ई एफिलिएशन है वो आपने कैसे करनी है सेशन 24-25 के लिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।